अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अमेजिंग वर्ल्ड बुक थ्री ऑक्सफोर्ड बुक सीरीज नेशनल करिकुलम 2020 की आज बुक थ्री में हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 9, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अली। आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। क्विक रिव्यू में देखेंगे पेज नंबर 73। पेज नंबर 73 पे क्वेश्चन है बुक रिव्यू में, कम्प्लीट द सेंटेंसेस, जुमले मुकम्मल करें। ए, कायदे आज़म वॉज बॉर्न ऑन डैश। कायदे आज़म बॉर्न पैदा हुए, कब पैदा हुए, तो हमने डेट ऑफ बर्थ, मंथ उनकी लिखनी है और साल भी, 25th of December 1876। बी, कायदे आज़म डाइट, कायदे आज़म की वफात हुई, कब हुई, ऑन 11th September 1948। सी, कायदे आज़म लेफ्ट फॉर इंग्लैंड, कायदे आज़म इंग्लैंड चले गए, कहाँ इंग्लैंड चले गए, कब, 1893 में। डी, ही रिसीव्ड हिज लॉ डिग्री, ही रिसीव्ड उन्होंने हासिल की, वसूल की लॉ डिग्री, कानून की डिग्री, कहाँ से, फ्रॉम इंग्लैंड, तो डैश में हम फिल करेंगे इंग्लैंड। ई, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह रिटर्न्ड, वापस आए, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज, अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद, कौन से सन में आए, इन 1896 यानी 1896 में वापस पहुँचे। पेज नंबर 73 है, पेज नंबर 74 पर जाएंगे, 76 पर। चूज द बेस्ट आंसर, चैप्टर रिव्यू है, चूज़ द बेस्ट आंसर्स, बेहतरीन जवाब का इंतखाब करें। फोर ऑप्शंस ए बी सी डी दिए गए हैं, जो उसमें सबसे ठीक आंसर होगा उसको हम टिक मार्क करेंगे। नंबर वन, आर ग्रेट लीडर कायद आज़म वॉज बॉर्न, हमारे अजीम लीडर कायद आज़म पैदा हुए, कब, 20 दिसंबर 1876, नो, 23 दिसंबर 1876, नो, 25 दिसंबर 1876 या 31 दिसंबर 1876। द राइट ऑप्शन इज सी, 25 दिसंबर 1876। तो इसको हमने इंसर्कल करके इसको टिक मार्क कर दिया। नंबर टू, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फादर वाज अ सक्सेसफुल, सक्सेसफुल मीन कामयाब, कायदे आज़म के फादर यानी वालिद साहब कामयाब क्या थे, क्लॉथ मर्चेंट, कपड़े का कारोबार करने वाले, बिजनेसमैन, बी सी टीचर उस्ताद, डी या डॉक्टर। तो राइट ऑप्शन इस बी, एक कामयाब बिजनेसमैन थे। थ्री, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह स्टार्टेड स्कूल एट द एज ऑफ, उन्होंने अपनी स्कूल यानी इब्तदाई तालीम किस उम्र में शुरू की, ए 5 ईयर्स 5 साल, बी 6 ईयर्स 6 साल की उम्र में, सी 7 ईयर्स 7 साल, डी नन ऑफ द अबव या इनमें से किसी में भी नहीं। तो राइट ऑप्शन इज बी, 6 साल की उम्र में अपनी स्कूलिंग उनकी शुरू हुई। फोर्थ, आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन ही रिटर्न्ड, अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो वापस आए, कहाँ वापस आए, ए पाकिस्तान, बी इंडिया, सी बर्मा, डी ब्रिटेन यानी बरतानिया। तो राइट ऑप्शन इज इंडिया, तालीम मुकम्मल करने के बाद वो इंडिया वापस आए थे। नंबर फाइव, तो बी को हमने टिक मार्क कर लिया। नंबर फाइव, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह विद द सपोर्ट ऑफ अदर मुस्लिम्स, सपोर्ट मीन मदद, सहारे के ज़रिए यानी और मुसलमानों की मदद के ज़रिए, सपोर्ट के ज़रिए, मुस्लिम लीडर्स जो कि दूसरे लीडर्स थे मुसलमान, उनकी मदद के ज़रिए कन्विंस्ड द डैश रूलर्स फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स, उन्होंने ब्रिटिश यानी रूलर्स, रूलर्स मीन हुक्मरान, उनको मतलब वो किया, आमादा किया कि मुसलमानों के लिए एक अलग होमलैंड यानी अलग एक मुल्क या ज़मीन का टुकड़ा होना चाहिए, जिसमें वो अपने जो है दीन के मुताबिक जो है ज़िंदगी गुजार सकें। तो किसको माइल किया, किसको आमादा किया, तो ब्रिटिश यहाँ पे राइट आंसर है, यहाँ पे यूरोपियन है, स्पेनिश है, ब्रिटिश है एंड इंडियन है, बी इज़ द राइट ऑप्शन, तो इसको हमने टिक मार्क कर देना है। वोकैबुलरी रिव्यू में, मैच द इवेंट टू इट्स करेक्ट डेट और लोकेशन, यानी इवेंट जो मौका है और वो कौन सी डेट पर अकर हुआ, कौन सी डेट को हुआ वो इवेंट, तो उसको हमने करेक्ट मैच करना है। इंडिपेंडेंस डे यानी आज़ादी का दिन, तो आज़ादी का दिन तो सबको पता है 14th August 1947 को हुआ, इसको फर्स्ट को
14 अगस्त 1947 के साथ मैच करेंगे। नंबर टू, कायद आजम डेट ऑफ बर्थ, कायद की डेट ऑफ बर्थ कौन सी है यानी योम पैदाइश, तो वो है 25 दिसंबर 1876। टू को 25 दिसंबर 1876 के साथ मैच करेंगे। थर्ड, कायद आजम ट्रैवल टू इंग्लैंड, कायद आजम ने कब सफ़र किया इंग्लैंड की तरफ, तो 1893 में उनका सफ़र स्टार्ट हुआ इंग्लैंड की तरफ। कायद आजम सिटी ऑफ बर्थ, कायद आजम जिस शहर में पैदा हुए तो उसका नेम, इट्स नेम इज कराची। एंड नंबर फिफ्थ, कायद आजम डेथ एनिवर्सरी, कायद आजम की जो डेथ है यानी वफात का दिन है उसकी जो मनाई जाती है वो किस दिन मनाए जाते हैं वफात का दिन, वो है 11 सितंबर 1948। पेज नंबर 77, वन वर्ड आंसर, गिव वन वर्ड आंसर्स टू द फॉलोइंग, एक लफ्ज़ का जवाब दीजिए। कायद आजम रहमतुल्लाह वाज एट व्हाट पोजीशन अमंग हिज सेवन सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मीन बहन भाइयों में, हिज सेवन सिबलिंग्स यानी सात बहन भाइयों में उनका कौन सा नंबर था, किस पोजीशन पर, मतलब किस नंबर पर थे, छोटे थे, दरमियाने या सबसे छोटे, तो एल्डेस्ट वो सबसे बड़े थे, एल्डेस्ट इज द राइट आंसर। एट व्हाट एज, किस उम्र में डिड मिस्टर जिना भाई पूंजा पुट कायद इन सिंध मदरसतुल इस्लाम, जिना भाई पूंजा उनके फादर का नाम था वालिद का, तो उन्होंने कायद आजम को किस उम्र में स्कूल में डाला, तो 6 ईयर्स में उनको दाखिल करवाया था कहाँ पे, सिंध मदरसतुल इस्लाम में। थर्ड, नेम द सिटी वेयर कायद आजम स्टार्टेड हिज लॉ प्रैक्टिस इन इंडिया, इंडिया में उन्होंने अपनी कानून की कहाँ पे प्रैक्टिस शुरू की, तो राइट आंसर है बॉम्बे, यानी बम्बई में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की अपनी लॉ की। तो ये थे बुक एक्सरसाइज, सो डिटेल क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।